हम भैया को बुलाते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? अमरू मरकाम। अमरू मरकाम, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ से 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। हाँ। ये शॉप का नाम क्या है? रघुवीर ट्रैक्टर। रघुवीर ट्रैक्टर। हाँ। ये एड्रेस बता दीजिए, लैंडमार्क जिसको लेने के लिए आना होगा। एड्रेस ये किस रोड में आता है? रानियनगांव रोड होगा। नानगांव रोड। अच्छा, खैरागढ़ से ये रानियनगांव रोड के बीच में ही पड़ता है ना? बीच में। रघुवीर ट्रैक्टर करके हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूँ, सोलिस कंपनी का डीलरशिप भी है। हाँ, है ना, न्यू में सोलिस का मिल जाएगा। और सेकंड हैंड में यहाँ आपको स्वराज है, पावर ट्रैक मिलेगा, जैसे कि महिंद्रा है, और ये वाली शायद 605 वाली क्या? हाँ, जो हार्वेस्टर में यूज करते हैं। और आपके पास थ्रेसर वगैरह भी मिलता है? थ्रेसर भी मिलते हैं, सेकंड हैंड नया सब मिलते हैं। अच्छा, और ये अभी जो ट्रैक्टर्स है, ये आपके पास बैंक से खिंचाए हुए भी रहते हैं क्या? बैंक से खिंचाए वाले ना, एक्सचेंज वाले। एक्सचेंज वाले ट्रैक्टर्स है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ महिंद्रा का है B275DI भूमि पुत्र। ये कौन सी मॉडल है सर? 9 के मॉडल, 2009 का मॉडल है। कितने HP में आता होगा? 35 HP में। कितना घंटा चलोगा मैक्सिमम? 9 का मॉडल है तो 5-6 हजार चल गया। कहाँ का पासिंग है? यही के नांदगांव। नांदगांव 08 राजनांदगांव पासिंग है। क्या डिमांड रखे इसका? 3 लाख से रहते हैं। 3 लाख? हाँ। 10 हजार। हाँ। ये प्राइस नेगोशिएबल है, कम ज्यादा होगा ना? हाँ, कम ज्यादा। बाकी कुछ खर्चा इसमें? खर्चा कुछ नहीं होगा। कुछ खर्चा नहीं, हाँ, नहीं। बाकी महिंद्रा का B275DI भूमि पुत्र बहुत ज्यादा बिकाऊ में है। और इसके बाद देखेंगे हम, ये है अर्जुन का है अल्ट्रा 1। ये हार्वेस्टर में भी यूज होता है क्या? 445DI है। ये देखेंगे कौन सी मॉडल है सर? ये वाली 2012 मॉडल है। कितने HP में आता है ये? 40 HP का। 40 HP की? ज्यादा है नहीं, 40 का। 40 HP में आता है। 40 HP। अच्छा, ये PTO वगैरह कुछ कम होता है नहीं? हाँ, PTO। ये पासिंग है यही अपना राजनांदगांव। क्या डिमांड रखे इसका? वो भी 3 लाख के। ये भी 3 लाख में ही है। अच्छा, दोनों मैक्सिमम उतना ही है। ये 9 का मॉडल है, फिर भी कैसे? नहीं, दोनों कम ज्यादा हुई जो बैठे हैं दोनों कम है। बाकी ये टायर वगैरह जैसा वैसा ही मिलेगा। और आपके पास फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं? फाइनेंस की सुविधा हो जाता है ना? हाँ, फाइनेंस हो जाता। जैसे नीचे के मॉडल होंगे तो होगा, इसमें 9 का मॉडल है तो 9। हाँ, हो जाते हो जाते फाइनेंस। हाँ। ना किसान। इसके बाद देखेंगे पावर ट्रैक का 439+। ये है 439 पावर ट्रैक का, डीजल सेवर में आता नहीं? हाँ, डीजल। कौन सी मॉडल है सर? ये 2009 का। 2009 मॉडल। कितने HP में आता है ये? 35 HP के आसपास। 35 HP में। हाँ, 35। बाकी इसका हुड वगैरह पूरा लगा के दिया जाएगा? दे। अच्छा, मतलब पूरा कंप्लीट करके ही देंगे? कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये कहाँ का पासिंग होगा ये? ये वही नांदगांव वाला। नांदगांव। कितना घंटा चला होगा ये वाला? ये भी कम से कम तो बहुत चल गया होगा। कलर थोड़ा फैड हो चुका है, जैसे कलर के लिए बोलते हैं तो आप लोग डेंटिंग पेंटिंग भी करवा देते हैं? अच्छा, वो भी उसका अलग से चार्जेस लगता होगा। बाकी ये क्या प्राइस रखे इसका? 2.5 तक से। 2.5 लाख में छोड़े? हाँ। कम ज्यादा तो करेंगे। हाँ, ना सब में जो भी आएगा। और ये जो प्राइस बता रहे हैं, ये पेपर इंक्लूड है कि अलग से लगता? नहीं, पेपर पूरा एक साथ कंप्लीट। हाँ, है एक साथ कंप्लीट। RTO वगैरह सब का। हाँ, कंप्लीट करके इसके बाद देखेंगे। ये है अपना स्वराज का 800। ये वाली है स्वराज का है 855XM है, 5 स्टार के साथ में आता है। सर इसका मॉडल बताएंगे? 2017 मॉडल है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन 17 का है ना? ये कितने HP में आता है? 50 HP में। 50 HP। हाँ, 50 HP। बाकी इसके टायर्स वगैरह साइज थोड़े बड़े रहते हैं? हाँ, क्या बड़े रहते हैं, 16 नॉक टायर। कितना घंटा चला होगा ये? 16 के ज्यादा नहीं चले। इसका देख सकते हैं अगर मीटर में हो तो? मीटर तो उसे नहीं, ज्यादा नहीं चला, लगभग ये 3000 के आसपास तो चला ही होगा। 3000 चला है ना? हाँ। क्या डिमांड रखे इसका? 3.5 तक से। 3.5 लाख। इसमें भी कम ज्यादा होगा पूरा? हाँ, वो भी कम। नांगर वांगर के साथ है क्या? हाँ, पूरे। और ये जितने ट्रक हैं? हाँ, उमन भी है पूरा नांगर वांगर। अच्छा, नांगर के साथ में। हाँ, ये जरूर बताना क्योंकि प्राइस ऐसे में ज्यादा लगेगा सामने वाले को। नांगर का कैजुअल वगैरह भी देंगे? नहीं देंगे। नहीं, सिर्फ नांगर रखे। नांगर। अच्छा, और आपके पास ट्रॉली वगैरह मिलता है सेकंड हैंड? सेकंड हैंड तो अभी नहीं मिले, ट्रॉली नहीं है अभी। अच्छा, इसके बाद देखेंगे स्वराज और है एक। देखते हैं स्वराज का 735 HP। ये इसका मॉडल बताएंगे सर? 2008 का। 2008 का। इसमें डेंटिंग पेंटिंग हुआ है क्या? ये वाला नहीं हुआ डेंटिंग, ऐसा जैसा वैसा ही है। हाँ, वैसे। कितना घंटा चलाओगे ये? 9 के तो वही आसपास। कितने HP में आता है ये? आएगा लगभग कितने HP का होगा? 45 के आसपास। 45 HP। 45 HP ना? 45 HP। अच्छा, बाकी प्राइस क्या रखे इसका? 3 तक से है।
3 लाख तक है। तीन लाख ये भी नांगर के साथ? हाँ, नांगर के साथ। अच्छा, सभी ट्रैक्टर नांगर के साथ ही प्राइस है? हाँ। अच्छा, और जैसे नांगर के साथ नहीं लेना होगा तो कम करेंगे? हाँ, कम करेंगे, हो जाएगा ना। हाँ। इसके बाद देखेंगे आयसर का 380, बहुत डिमांड रहता है ये वाला ट्रैक्टर, देखते हैं। सर, ये वाली आयसर 380 कौन से मॉडल होगी? 2014 का। कितने HP में आता है यह? 40 HP में। अच्छा, कितना घंटा चलोगा ये वाला? ये भी लगभग बहुत चल गया होगा। बहुत चल गया सही। पासिंग वगैरह लोकल यहीं का रहता है? हाँ, यहीं का। यहीं का ना। क्या रेट रखे इसका? ये 3.5 तक से रखे। 3.5 लाख। हुड वगैरह, नांगर वगैरह सब कंप्लीट करके देंगे, जो पेपर वेपर सब ओके करके, है ना। इसके बाद देखेंगे हम आपको, ये दिखाते हैं थ्रेसर है। भैया ने जैसे बताया, ये कितने फैन पंखे का है? भी 6 पंखे। क्या क्या में यूज कर सकते हैं इसको? ये में चना भी, गेहूं वगैरह, धान सब। अच्छा, सब में यूज हो जाएगा। अच्छा, ये और ये कितने पंखे का? ये भी 6 पंखा। 6 पंखा। इसके बाद ये देखते हैं, ये वाला 7 पंखा। ये भी किस किस में यूज हो जाएगा? वो भी सभी में काम, सब में काम आ जाता है। क्या प्राइस होगा ये नए में? ये में 7 पंखा के 230 है। हाँ, और 220 है। दोनों 220 और 7 पंखे का 230, 10,000 का डिफरेंस है बस। इसके बाद देखते हैं एक दो ट्रैक्टर्स और है। ये वाली है एस का, रानन गॉप पासिंग में है। ये है DI 350 करके, NG आता है ना। हाँ, NG। कौन सी मॉडल होगी सर? ये 2016 का। 16 का मॉडल। कितने HP में आता है ये? 40 HP। 40 HP। इसका हाइट वगैरह थोड़ा ऊपर रहता है ना, जॉन्डियर जैसे। 40 HP में? 40। अच्छा, लिखा हुआ है 40 HP। कितना घंटा चलाओगे? नहीं चलेगी ज्यादा, ज्यादा नहीं चला होगा ये। हाँ, ज्यादा नहीं चलेगा। क्या रेट रखे इसका? 3.5 लाख। 3.5 लाख में छोड़ देंगे। हाँ, नांगर ये भी नांगर के साथ मिलेगा। अच्छा, नए में भी मिलता होगा नांगर आपके पास? हाँ, नए में। और इसके बाद ये भी देख लेते हैं, किसान बंधु थ्रेसर है। ये कितने फैन का होगा? 5 पंखे। 5 पंखे का। ये भी सुरजीत वाला है? हाँ। अच्छा, और है अभी आपके पास ट्रैक्टर? अभी नहीं है। अच्छा, इतना ही ट्रैक्टर है? अच्छा,